हूं प्रिया सप्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस की दिखी ताबड़तोड़ कार्यवाही, पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज, 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पन्ना, एक कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम बोले 3 साल में पन्ना जिले को मिलेगा पानी। और इंदौर में गाड़ी खड़ी करने की बात पर हुआ विवाद, विरोध करने पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के भवरकुआं थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी संतोष दूधी के अनुसार नायब तहसीलदार के न्यायालय से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया कि अंबिकापुरी कॉलोनी में गणेश धाम मंदिर है, यहाँ इंटरप्राइजेस नामक फर्म भी है, जिसके डायरेक्टर मिथुन सोलंकी, दिनेश आनंदगिरी और महेश कुमावत ने सरकारी जमीन पर 29 प्लॉट काट दिए हैं। ऐसे में इस पत्र के माध्यम से 4 विक्रेता और 6 खरीदार के साथ 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जाँच पड़ताल शुरू की गई है। इसमें कल हमें राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार साहब के न्यायालय से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया कि अंबिकापुरी कॉलोनी में कोई गणेश धाम मंदिर है, उसकी शासकीय जमीन है जो सर्वे नंबर 393 की है, उसी के बाजू में कोई गणेश इंटरप्राइजेस के नाम से कोई फर्म है, उसके डायरेक्टर मिथुन सोलंकी, दिनेश और मंदिर के पुजारी आनंदगिरी और महेश कुमावत, इन लोगों ने उस शासकीय ज़मीन के ऊपर करीब 29 प्लाट काट दिए हैं और उस ज़मीन को अपनी निजी ज़मीन बताकर लोगों को विक्रय कर दी है। इसमें कल हमें राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार साहब के न्यायालय से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया कि अंबिकापुरी कॉलोनी में कोई गणेश धाम मंदिर है, उसकी शासकीय ज़मीन है जो सर्वे नंबर 393 की है, उसी के बाजू में कोई गणेश इंटरप्राइजेस के नाम से कोई फर्म है, उसके डायरेक्टर मिथुन सोलंकी, दिनेश और मंदिर के पुजारी आनंदगिरी और महेश कुमावत, इन लोगों ने उस शासकीय ज़मीन के ऊपर करीब 29 प्लाट काट दिए हैं और उस ज़मीन को अपनी निजी ज़मीन बताकर लोगों को विक्रय कर दी है, जबकि उसी शासकीय ज़मीन के बाजू में इनकी कुछ निजी ज़मीन थी, उसे बढ़ाकर शासकीय ज़मीन में बताकर इन्होंने प्लाट काटकर उसके दस्तावेज फर्जी बनाए और लोगों को रजिस्ट्री करके इनने काफ़ी लाभ अर्जित किया है। जाँच पर से धारा 420, 467, 468, 471 और 120 भी का मुकदमा